हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा क्लास ट्वेल्थ का लॉजिक गेट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। क्यों पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स? देखिए, होता क्या है कि जो भी आजकल टेलीविजन देख रहे हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेलीविजन हैं, मोबाइल फोन्स हैं, सब डिजिटल है। सब डिजिटल मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सारा दुनिया आजकल डिजिटल है। तो डिजिटल समझना होगा कि डिजिटल क्यों है और किस मतलब कि किस तरह से जो कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग्स वगैरह होते हैं वो सब डिजिटल है। और डिजिटल में जैसे कि बाइनरी जो है ना, बाइनरी मतलब दुनिया को समझा जा रहा है केवल दो चीज़ों से, यस और नो से। और यस नो का जो कॉम्बिनेशन है उसी से सारे मैसेजेस को मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सकता है। ये है इसका मतलब, सिंपल ये है। तो सिग्नल्स जो होते हैं, मैसेज, सिग्नल का मतलब मैसेज, और मैसेज जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। ठीक है, तो पहले जो मैसेजेज होते थे वो एनालॉग होते थे। एनालॉग का मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर पॉसिबिलिटीज है मैसेजेस के अंदर में। ठीक है, अर्लियर मैसेज सिग्नल्स वेयर इन एनालॉग, लेकिन आजकल क्या करते हैं, टुडे मोस्टली द सिग्नल्स आर इन द डिजिटल फॉर्म एंड एवरी थिंग वी टॉक इज आर राइट नाउ दीज डेज आर डिजिटल। ठीक है, अर्लियर मैसेज सिग्नल्स वेयर इन एनालॉग बट टुडे मोस्टली द सिग्नल्स आर इन डिजिटल फॉर्म एंड एवरी थिंग वी टॉक अबाउट इज डिजिटल। ठीक है, आर डिजिटल। तो क्या है ये एनालॉग? क्या है, पहले एनालॉग समझेंगे तभी तो डिजिटल समझ पाएंगे, राइट? एनालॉग एंड डिजिटल दो चीज हम बात कर रहे हैं। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कहीं ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, कंटिन्यूअस। और ये है डिजिटल, इसमें ब्रेक है। ठीक है, किस तरह से कंटिन्यूअस? एनालॉग का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस है, यहाँ इनफाइनाइट ये पॉसिबिलिटी वैल्यूज हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल, कुछ भी। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे टाइम है, ठीक है, घड़ी है, तो घड़ी का मिनिमम वैल्यू वैसे सेकंड है, लेकिन कोई ऐसा भी घड़ी हो सकता है जो सेकंड का भी फ्रैक्शन कर बता दे। तो टाइम जो है वो सिग्नल जो है टाइम वो कंटिन्यूअस है, टाइम कुछ भी हो सकता है, तो वो एनालॉग सिग्नल होगा, वो एनालॉग कहलाएगा। ठीक है, तो डिजिटल क्या कहलाएगा? डिजिटल है जैसे कि आज स्कूल खुला है कि बंद है। ठीक है, इसमें दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो खुला है या बंद है। ठीक है, आज सैटरडे है या संडे है, तो क्या इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जवाब देने के? जवाब देने के आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो सैटरडे है या संडे। तो जो केवल दो डिस्क्रीट वैल्यूज में हम जिसका जवाब दे सकते हैं, यस और नो में जिसका जवाब दे सकते हैं, वो डिजिटल है। और जिसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिजिटल नहीं है, वो एनालॉग सिग्नल है, बस ऐसे समझ जाइए। ठीक है, सो अब क्लियर हो गया? यहाँ मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ये इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल जो है वो इसमें है, ये आपका इधर आ जाएगा एनालॉग में, और डिजिटल में क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि हो सकता है यस और नो, या क्या हो सकता है जीरो और वन बोल लेते हैं, जीरो और वन। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, ट्रू और फॉल्स, बस इसका जवाब केवल डिजिट्स में, मतलब कि यह मतलब दो चीज़ों में हो सकता है, यस नो, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। समझते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को। अगर कोई सिग्नल है, मान लेते हैं वोल्टेज ही है, ठीक है, ये मान लेते हैं वोल्टेज है, वोल्ट, और इस तरफ है आपका टाइम। तो वोल्टेज और टाइम का सिग्नल है, तो ये जो हम दिखाते हैं इस टाइप का जो सिग्नल दिखा रहे हैं, ये साइनोसोइडल, ये डिजिटल है कि एनालॉग? ये आपका एनालॉग है। क्यों एनालॉग है, एनालॉग सिग्नल क्यों है? क्योंकि किसी भी टाइम पे वोल्टेज जो है वो उसके कितने वैल्यूज पॉसिबल है, कितने वैल्यूज हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए, कुछ भी हो सकता है वोल्टेज इस कर्व के हिसाब से, तो ये क्या है? और इसी तरह से एनालॉग में और भी एग्जांपल्स लिया जा सकता है, जैसे ये मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ये कुछ भी कर्व ले लिए, तो ये भी, ये क्या है, ये भी आपका एनालॉग ही है, डिजिटल तो है नहीं, क्योंकि इसमें कितने पॉसिबिलिटी, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पे जाइएगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एनालॉग सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल कैसा होगा? तो डिजिटल सिग्नल कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें केवल दो ही वैल्यूज पॉसिबल होगा, कोई भी टाइम ले लीजिए, मान लेते हैं वोल्टेज है और इधर टाइम है, और
कर्व कैसा है, कुछ ऐसे है। देखिए टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लेट अस से जीरो है, रेट से करते हैं ये जीरो। फिर अचानक कुछ टाइम बाद यहाँ पे कोई टाइम बीत गया लेट अस से टी वन, तो वैल्यू उस समय क्या हो जा रहा है, उस समय इसका वैल्यू बढ़ करके हो जा रहा है ये वाला कुछ वैल्यू, ठीक है। और कुछ देर तक वो रह रहा है, रहने के बाद फिर कुछ टाइम बाद, कुछ देर रहा और रहने के कुछ टाइम बाद फिर यहाँ पर टी टू टाइम पर क्या हो जा रहा है, ये वापस जीरो हो गया। मैंने टी वन से टी टू तक वैल्यू था, उसके बाद फिर जीरो हो गया। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद टाइम बीता, टाइम बीतने के बाद फिर वापस से वही हाल, ये हो गया, वो वैल्यू ले लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर आप नीचे आ जाइए ऐसे, तो यहाँ पे फिर जीरो हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि इसमें आपका जो वोल्टेज जो है वो जीरो से टी वन तक, फिर टी टू से टी थ्री तक, फिर टी थ्री से टी फोर टी फाइव, इस तरह से जीरो से टी वन तक वैल्यू क्या है, जीरो से टाइम लिखते हैं, ठीक है, टाइम एंड वोल्टेज। तो आप देखिएगा कि आपके पास टाइम कुछ भी हो, वोल्टेज जो है वो दो ही वैल्यू ले रहा है। टाइम जैसे जीरो टू टी वन, तो वोल्टेज क्या है, जीरो। और टाइम ले लेते हैं टी वन से टी टू, टी वन से टी टू, तो वोल्टेज क्या है, ठीक है, इक्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, टी वन से टी टू तो वोल्टेज क्या है यहाँ पे, लेट अस से दिस इज सम वोल्टेज वी जीरो, तो वोल्टेज है वी जीरो, ठीक है, वी जीरो इक्वल टू वन वोल्ट हो सकता है। इसी तरह से टी टू से टी थ्री फिर जीरो हो जा रहा है, फिर टी थ्री से टी फोर, टी थ्री से टी फोर कितना हो जाएगा, फिर वापस वी जीरो हो गया, टी फोर से टी फाइव फिर वापस जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो आउटपुट है, जो वोल्टेज है, वो अगर ध्यान से देखिए तो जीरो है वी जीरो है, फिर जीरो है वी जीरो है, तो ये डिजिटल है, इसमें कंटिन्यूअस नहीं है, इसी को बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। तो एनालॉगस एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आ गया हम लोगों को। अब समझते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है, क्यों ये क्यों समझते हैं, ये लॉजिक गेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस पढ़े हैं, जो ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं पढ़ते हैं, या जो पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं, इन डायोड को मिला करके, ट्रांजिस्टर्स को मिला करके हम लोग बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। बहुत हायर स्टडीज़ में, मैंने हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है कि जो कंप्यूटर्स जो होता है, जो कंप्यूट कर रहा है, जो कैलकुलेशंस कर रहा है बहुत सारा, वो कैसे कर रहा है, वो ये बाइनरी सिंबल, बाइनरी डिजिटल ऑपरेशन ही कर रहा है उसके अंदर में। तो इसलिए उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है लॉजिक गेट का। तो लॉजिक गेट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समझते हैं लॉजिक गेट्स क्या होता है। लॉजिक गेट लॉजिकल ऑपरे लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, या कुछ भी हो सकता है इनपुट, लॉजिकल रिलेशनशिप को लॉजिकल गेट बोलते हैं, आसान है, समझ में आ जाएगा। सिग्नल्स लिख देते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, वोल्टेज हो सकता है, करेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। देयर आर फाइव कॉमन लॉजिक गेट्स, उसी को समझना है हमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, ठीक है। ईच लॉजिक गेट इज इंडिकेटेड बाय ए लॉजिक सिंबल एंड देयर इनपुट आउटपुट फंक्शन इज डिफाइंड इन ट्रूथ टेबल। ये दोनों चीज समझना है कि सिंबल्स क्या है, लॉजिकल सिंबल्स क्या है। लॉजिक गेट के सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज सब बिल्कुल अजीब टाइप का लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या है। और ट्रूथ टेबल, यही दो चीज़ें हैं जो हमें सीखना है, ट्रूथ टेबल। तो लॉजिक सिंबल्स क्या क्या है ये देखिए, लॉजिक गेट कैन बी रियलाइज्ड, और बताएं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो देखे हैं ना, उससे हम लोग लॉजिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं नॉट गेट, एनओटी गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट का मतलब हुआ नॉट, और उसका सिंबल होता है, सिंबल ज़्यादा ज़रूरी है, सिंबल होता है ये, यहाँ पर क्या होगा, ये गोल कलर वैकेंट रहेगा, ये नॉट गेट, ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल भी यहाँ पे दिखा देते हैं। नॉट का मतलब होता है नहीं, बदल देगा, सिग्नल को उलट देता है, ठीक है। सिग्नल को उलटने का क्या मतलब हो गया, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट है, ठीक है, इनपुट भी एक है और आउटपुट भी एक है, बाकी में नहीं होगा। जैसे ए है, मान लेते हैं ए इनपुट है और वाई आउटपुट है, ए इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो ए अगर जीरो हुआ तो वाई वन हो जाएगा, क्योंकि नॉट बोल रहा है, मतलब नॉट जीरो, और ए अगर वन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, ठीक, उलट जाएगा, ये नॉट गेट हुआ, ठीक है। तो एक नंबर नॉट गेट क्लियर हो गया, इसका ट्रूथ टेबल यही है, सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद आते हैं और गेट, दूसरा नंबर बात करते हैं ओ आर, और गेट। और का क्या मतलब होता है, इसमें दो इनपुट
और एक आउटपुट, इसका सिंबल कैसा है, कुछ इस टाइप का, मंदिर टाइप। ये दो इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है, ये हो गया। मान लेते हैं आउटपुट वाई है, इनपुट ए और बी है। तो बोलता क्या है इसका ट्रूथ टेबल में, ए और बी दोनों में से एक भी अगर मिल गया तो आउटपुट में उसको पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाते हैं तो दो इनपुट दिखाएंगे, जैसे एक्स और वाई ले लिए, सॉरी ए और बी ले लिए और आउटपुट को वाई ले लिए। तो ए में मान लेते हैं कि जीरो है और बी का वैल्यू जीरो है, तो दोनों में जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए, क्लियर है। और ए में जीरो है, बी में वन है, तो और का मतलब समझ रहे हैं ना, ए या बी किसी में हुआ तो आउटपुट हो जाएगा, तो यहाँ पे वन हो जाएगा। फिर इसमें अगर वन और इसमें जीरो है तो भी वन हो जाएगा, और इसमें वन और इसमें वन है तो भी आपको वन हो जाएगा। ये समझिए, और का मतलब किसी भी एक में अगर हो गया तो और ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। समझना बहुत आसान है, इसलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं दे रहे। तीसरा नंबर है, मान लेते हैं एंड गेट लेते हैं, एंड गेट, ए एंड डी कैपिटल में लिखा जाता है, एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कैसा होगा, उसी टाइप का रहेगा, लेकिन ये फ्लैट हो जाएगा इधर वाला सर्फेस। इसमें भी दो इनपुट ए और बी, दो इनपुट ले लिए और एक आउटपुट, ठीक है, ये इनपुट हो गया और आउटपुट वाई कर देते हैं इसको। इसका भी ट्रूथ टेबल देख लिया जाए, और इसका भी ट्रूथ टेबल आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। मान लेते हैं अगर ये ए है, ये बी है और ये वाई है, तो क्लियर है, आप समझिए कैसे कैसे क्या होगा। अगर आपके पास ए जीरो है, बी जीरो है, एंड है, एंड का मतलब जब दोनों में हम मिलेगा तब जा करके हमें आउटपुट मिलना चाहिए, तो दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलना जरूरी है, एंड यूनियन। अगर मैथ्स में पढ़े हैं और इंटरसेक्शन पढ़े हैं तो ये इंटरसेक्शन की तरह, दोनों में मिलेगा तब, ठीक है। तो जीरो जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा, अगर जीरो वन है तो भी आउटपुट जीरो होगा, क्योंकि एंड ए एंड बी मिला तब ट्रू होगा। वन जीरो है तो भी जीरो हो गया, वन वन मिलेगा तभी जा करके आउटपुट में वन मिलेगा, नहीं, क्लियर है। बहुत ज़्यादा समझना नहीं है इसमें, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है, दो इनपुट और एक आउटपुट। इसके बाद एक गेट आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर गेट, एन ओ आर गेट। नॉर का मतलब होता है नॉट और, नॉट प्लस और, मतलब कि और को उल्टा कर देना, ठीक है, और को उल्टा कर देने से क्या बन जाएगा, नॉर गेट। तो और गेट का सिंबल क्या होता है, देखिए और गेट का सिंबल होता है कैसे, ऐसे था ना, ये सिंबल था किसका, और गेट का। अब इसको उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो यहाँ पे एक क्या करना है, खाली सर्कल बना देना है, ये तो ये उलट गया, और का उल्टा हो गया। तो इसमें अगर ए, इसमें अगर बी है, इसमें अगर वाई लिखते हैं तो इसका ट्रूथ टेबल कैसा हो जाएगा, थोड़ा बताइए। मान लेते हैं ये ए बी और ये वाई है, तो ए अगर मान लेते हैं जीरो जीरो जीरो, वन वन जीरो और वन वन, तो नॉर गेट का मतलब और का उल्टा। तो दिमाग में पहले और समझिए, जैसे जीरो जीरो का और अगर है तो जीरो होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। अच्छा, जीरो वन मिल करके क्या होना चाहिए था, अगर और गेट रहता तो जीरो वन मिल करके वन होता, लेकिन यहाँ पे उलट जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा। वन जीरो मिल करके वन होता तो उलट करके जीरो हो जाएगा, वन वन मिल करके वन होता तो उलट करके जीरो हो जाएगा। तो और गेट में यही नॉर गेट हो गया, ये और गेट को उलट दिए हम लोग, ठीक है, चेंज कर दिए, ठीक है। नॉर गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, क्योंकि नॉर गेट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बहुत सारे गेट्स बनाए जा सकते। नॉर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज वी कैन ऑब्टेन ऑल द गेट्स बाय यूजिंग नॉर गेट। बहुत अच्छा गेट है ये, तो सारे गेट्स इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि हाउ टू ऑब्टेन और गेट, हाउ टू ऑब्टेन नॉर गेट, सॉरी हाउ टू ऑब्टेन एंड गेट, ठीक है। एक होता है नैंड गेट, नैंड गेट भी देख लेते हैं क्या होता है, एन ए एन डी गेट होता है, एन ए एन डी, तो मतलब एंड को नॉट कर दीजिए, नॉट एंड गेट, ये एक्चुअली है नॉट एंड, एंड को पलट देना। तो जो भी एंड का आ रहा था उसका उल्टा कर दीजिए, उसका सिंबल क्या होता है, नॉट एंड, तो एंड का जो सिंबल होता है उसमें खाली सर्कल लगा दीजिए, ये एंड का सिंबल था ना, ये एंड का सिंबल ए और बी और ये, तो यहाँ पे खाली सर्कल लगा देंगे तो ये नैंड गेट हो गया। और इसका ट्रूथ टेबल में
अगर ये ए है, ये बी है, ये वाई है, मान लेते हैं यहाँ पे वाई मिलता है, तो अगर ये जीरो वन का जीरो होता था तो अब वन हो जाएगा, वन जीरो का जीरो होता था तो वन हो जाएगा, जीरो जीरो का जीरो होता था तो वन हो गया, वन वन का वन होता था तो जीरो हो गया, ये नैंड गेट का हो गया ट्रुथ टेबल। आपको ट्रुथ टेबल आना चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि सिग्नल दो दिया गया है, इनपुट एंड आउटपुट दो सिग्नल दे दिया गया है, कैसे देख लीजिए। सपोज कीजिए कि दो सिग्नल दे दिया गया इस तरफ, यहाँ पे है ये सिग्नल ए है, ठीक है, वर्सेस टाइम, ठीक है। तो इसका ये ए है और ये बी सिग्नल है, दो सिग्नल है ऊपर में, तो आपको बनाना है आउटपुट सिग्नल कैसा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आउटपुट सिग्नल कैसा होगा वो बनाना है। और ये आउटपुट सिग्नल वाई है जो कि सपोज कीजिए एंड गेट, सिंपल के लिए बोल रहे हैं एंड गेट, तो एंड गेट बनाना है तो कैसे बनाइएगा। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप देखते जाइए। ये वैल्यू हाई है, मान लेते हैं इसको वन, ये वैल्यू वन, तो आपको भी बनाना है वन और जीरो के बीच में सारे डिजिट्स को डालना है। तो जैसे ए वन है, इसको आप ट्रूथ टेबल में भी दिखा सकते हैं और आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं वाई है, ये ए है और ये बी है, तो देखते जाइए कितने बार कैसे कैसे चेंज हो रहा है, जितने टाइम गैप है उतना बार वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है। तो ए का देखिए क्या है वैल्यू, सबसे पहले वन है, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर वन है, ठीक है, ऐसे देखिए वन जीरो जीरो वन, ठीक है, फिर दो बार जीरो, फिर दो बार वन, दो बार जीरो, दो बार वन, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर जीरो ए का हो गया। इसी तरह से बी का देखिए, तो बी का क्या हो रहा है, जीरो वन, फिर जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो जीरो वन वन, है ना, वन वन, उसके बाद जीरो वन वन, जीरो वन वन। अब बनाना क्या है, एंड एंड गेट है, तो आपको पता है ट्रूथ टेबल में एंड में वन जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो, जीरो जीरो का जीरो, वन जीरो का जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो, जीरो वन जीरो, तो सब जीरो आया आउटपुट में, केवल आपको एक जगह पे वन आ रहा है, और वो जगह कौन सा है, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वन और वन केवल यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला जो जोन होगा ना, यहीं पे केवल आपको वैल्यू मिलेगा ये वन का, ठीक है, और बाकी सब जगह जीरो, तो ये सिंपली ये हो जाएगा आउटपुट का भी, ठीक है। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, इस टाइप का अगर कोई छोटा सा प्रॉब्लम पूछा जा रहा है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक गेट समझ में आ गया, इसी का आप जैसे एंड गेट बनाएं एक्सरसाइज के लिए, इसी का और बनाइए, नॉट बनाइए, नैंड गेट बनाइए, ठीक है।